सुना कुछ ये? हाँ तो फाइनली हम लोग की जर्नी आज एंड हो रही है और हम लोग कौन से मंदिर गए थे? द्वारका मंदिर गए थे और सबने दर्शन करके आए नागेश्वर मंदिर। बोलिए ना साइड माइक से होके। हाँ देखे तो ये हमारे भैया जी है ना, ये खामो का नागेश्वर मंदिर गए थे और द्वारका मंदिर गए थे। और क्योंकि थोबड़ा फोकस, अगर आर्टिस्ट का फेस पे थोबड़ा कुछ भी आ जाता है ना तो आर्टिस्ट पीछे से ऐसे ही बकेल करता है, बकलाता रहता है, बिना मतलब बकेली करने लगता है। भैया थोड़ा सा साइड हो ना, आगे वाला फ्रंट में तो भाई मास्किंग कर रहा है आप हम लोगों का, देखो फ्रंट में तो हम ही है। ये बोलो पीछे वाले गए भाई, आ जाओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ, ये सबसे बढ़िया सारी बकेली हम लोग करने वाले हैं। और हम लोग जर्नी आज हम लोग जल्दी JPTP प्रोडक्शन ने जो प्रेजेंट किया है अवार्ड्स जो बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया गया है जामनगर में, सारी टीम मेंबर्स धर्मेंद्र जी और हिरेन क्या नाम था जन, अरे उनका उनका तो बड़े भैया का दिग्विजय सिंह जडेजा और अपने जडेजा भाई, तेजू भाई और बाकी हमारा भाई ये भी साथ में है और इसने भी बहुत सारी मेहनत की है और हम लोग को काफी यहाँ वहाँ घुमाया है और बढ़िया से प्रोग्राम अभी एंडिंग की तरफ है अभी हम लोग। अरे भाई टाटा बाय बंद हो नहीं नो बाय। तो सबसे हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, सबसे पूछते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। अरे अभी एडिट करना है भाई, बंद कर दो फिर से करो। अरे कर देंगे एडिट यार, इसी में बिल्कुल अच्छा था, बढ़िया था, वो इतनी हमारी उम्मीद नहीं थी उससे बेहतरीन किया है। वेरी गुड। और जो सपोर्ट मिला है जो पब्लिक का वो भी आगे मिलता रहेगा, क्योंकि जो स्टार लोग आए हैं वो हमारे लिए तो बड़ी बात है। जो मेहमान आते हैं वो अतिथि, वो हमारे गुजराती कल्चर में बोलते हैं जो मेहमान आते हैं ना वो भगवान होते हैं, तो वो जो भगवान आते हैं तो समझ लो कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा ही होगा, मेरा ये कहना है। सब सेट अच्छा था। चलो वेरी गुड। तो अभी हम तेजू भाई से बात करते हैं। तेजू भाई ये हमारे मेन ऑर्गेनाइजर, हमारे JPTV प्रोडक्शन के ऑनर और हमारे पुष्पेंद्र सिंह जडेजा, पुष्पराज सिंह जडेजा के फादर। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट है और मेरा बहुत प्यार है उसके ऊपर, बहुत अजीब बच्चा है। तो उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा इवेंट और कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा, बताइए तेजू भाई। अवार्ड तो एकदम बढ़िया गया और उससे भी बढ़िया बात है कि साथ में सब भाई मित्र सब मिल के अभी अवार्ड फंक्शन पूरा बता के पूरा इंजॉय करके एकदम फ्रेश हो गए, द्वारकाधीश मंदिर में आए, द्वारकाधीश के दर्शन किए, माँ शक्ति के दर्शन किए और वहाँ से नागेश्वर गए, नागेश्वर महादेव के दर्शन किए। तो ऐसे के समझ लो अवार्ड फंक्शन तो एकदम कम्प्लीट हो गया और द्वारकाधीश और नागेश्वर महादेव का आशीर्वाद भी मिल गया। तो मेरे पार्टनर है धर्मेंद्र से जाने का, तो धर्मेंद्र जी से बात करते हैं। धर्मेंद्र जी आपका एक्सपीरियंस बताइए, पीछे बालकनी में, बालकनी में धर्मेंद्र जी एक्सपीरियंस में तो ऐसा है कि बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और इस माध्यम से हमें आप जैसे दो भाई और दो फ्रेंड मिल गए, इससे बढ़िया बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। थैंक यू, बहुत एंजॉय किया आप लोग की कंपनी। अभी हम आते हैं हमारे हरदिल अजीज, मेरे लंगोटी, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे भैया जी श्याम लाल, श्याम लाल देखेंगे जाके क्या अच्छा पता कर रहे हैं। अरे तो कुछ आप की गुफ्तगू की कुछ बकेती कर लो बे, कुछ बकेती करो बताओ। अभी तक क्या किए, बकेती तो कर रहे हैं। हाँ तो आप फिर से तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा तो बहुत बढ़िया रहा। जामनगर में आके तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मजा आ गया। चश्मा काहे लगाया, ये टीका लगाया पंडित जी, आप तुम बैठे हुए थे दर्शन कर रहे थे, कुछ ले भी रहे थे सुना था मैंने, कुछ ले रहे थे, क्या ले रहे थे? अरे कुछ ले रहे थे उधर मंदिर पे, तुम हम देखे थे मंदिर में आशीर्वाद प्रसाद ले रहे थे, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे कुछ
ऐसे कुछ बोल रहे थे दो भाई साहब को दो प्रसाद था वो मंदिर से बाहर निकले तो कुछ कोई औरत थी उसने कुछ स्वागत किया था आपका सारे बहुत बढ़िया स्वागत था वो तो अरे थोड़ा सा मास्किंग हटे पीछे वाले भाई दिख नहीं रहे नियम साहब हमारे भाई देखिए लेंस एक ही है अपने हिसाब से थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए थोड़ा ऊपर ले लीजिए ऊपर आइए भैया जी के ऊपर टेढ़े होके आ जाइए तो भैया जी बताएं अपना श्याम भैया अपना बताएं एक्सपीरियंस आपका अवार्ड का कैसा रहा बहुत बढ़िया था अवार्ड फंक्शन मजा आ गया ऐसा लग रहा था पूरी फैमिली है और सब एक दूसरे का हम लोग खुद एंजॉय मिले तो भी खुश ना मिले तो भी खुश ये ठीक है कोई गरीब दुखिया समझ के प्रसाद दे दे तो ले लेंगे प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है आते को छोड़ते नहीं जाते को रोकते नहीं है हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं अकेला अकेला जो खाता है उसको गाल मचोड़िया होता है अच्छा अच्छा तो आप अकेले मत खाइएगा नहीं, हम नहीं खा रहे हम है साथ में हाँ भाई जो खाते हैं उनका बोल रहे हैं नियम साहब आज कंजू कटेगा सब पे बटेगा अब कहाँ से कटेगा अब तो कट गया अरे आप तो जा रहे हो रात में तो कद्दू इसलिए से बचने वाला है लोग शाबाश शाबाश आज कद्दू आएगा ये बात है देख लो दोस्तों ये कद्दू कटने वाला है मैं तो आज ट्रेवल कर रहा हूँ दूसरी जगह शूट के लिए दूसरी जगह जा रहा हूँ और बहुत टायर्ड हूँ और बहुत थक गया हूँ काफी दिन से सोया नहीं हुआ अभी भी दो तीन दिन से कंटिन्यू तो जल्दी मिलते हैं आप सबके सामने आपका प्यार यूं ही देते रहें हमारी टीम्स को हमारे जडेजा जी को हमारे धर्मेंद्र जी को और हमारे JPTV प्रोडक्शन को सबको हमारे परिवार को JPTV प्रोडक्शन परिवार को आपका प्यार यूं ही देते रहें लव यू गाइस